जरा गौर से देखिए, स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, ये है इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फैंस का जश्न मनाते हुए आखिरी वीडियो, क्योंकि इसके बाद तो इस वर्ल्ड कप में जश्न मनाने लायक कुछ बचा भी नहीं उनके लिए। आप सोचे होंगे कि ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, दरअसल ये वीडियो मुझे इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लगा है। देख रहे चीकू कैसे इंडिया के 19वें ओवर में ऑल आउट होने पर उछल रहे हैं ये लोग, पर लगभग 40 मिनट के बाद ही इनकी खुशियों पर बरसा बुमराह का कहर और फिर से इनका रोना धोना चालू। और अब तो और रोना धोना है क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। एक बार फिर कुदरत के निजाम ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, एकदम से फिर इनके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पिछले बार की फाइनलिस्ट इस बार पहले स्टेज में क्या हो गई राहुल जी? खत्म। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं क्रिको। दिन की शुरुआत में पाकिस्तान के मजे ले लो तो भैया दिन भर अच्छा होता है, नहीं? वैसे अब तो हमारे दिन और अच्छे गुजरेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क की मुश्किल विकेट पर हुआ इंडिया का गेम खत्म और अब वर्ल्ड कप में किंग कोहली का रोल डालेगा इंपैक्ट, ऐसा मानना है बालाजी का। वही बालाजी जिन्होंने अख्तर को छक्का मारा था, वही बालाजी जिनके लिए पाकिस्तान के फैंस ने गाना तक बना डाला था कि बालाजी जरा धीरे चलो। खैर, इस वक्त लक्ष्मीपति बालाजी ने एक बड़ी सही बात बोली है। उन्होंने कहा कि विराट बस पिच की उछाल का शिकार हुए, वो भी बदकिस्मती के साथ, सिर्फ अमेरिका के खिलाफ वो अच्छी गेंद पर आउट हुए, वरना बाकी दो बार कोहली सिर्फ अनलकी रहे। क्या आप भी यही मानते हो? क्या ओपिनियन है आपकी? वैसे हेलो, ओपिनियन यहां वहां वेस्ट मत करो, प्रोबो ऐप पर ओपिनियन दो हाया नामे और जीतो लाखों के प्राइजेस। कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सवाल, सिर्फ यस या नो में आपको अपनी ओपिनियन देनी। जैसे एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या इंडिया कनाडा के सामने जीतेगी, क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया जीतेगी, यस या नो। ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार, और भी प्राइजेस मिल रहे हैं मेरे यार। और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो, क्या समझे? बस आप प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, मेरा कूपन कोड लगाओ और ₹500 तक का वेलकम बोनस पाओ। वीडियो में आगे आओ। तो भैया, विराट के बल्ले की चुप्पी कुछ फैंस को परेशान कर रही है, मगर पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर कहते हैं कि इसमें किसी को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि विराट ज्यादा देर तक रनों से दूर नहीं रहेंगे और आईसीसी इवेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो सही है। वसीम जाफर ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लेग में विराट अपना असली रंग जरूर दिखाएंगे, पब्लिक को टेंशन नहीं लेने का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। विराट कोहली आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाकर इस T20 वर्ल्ड कप में आए थे। विराट ने 15 मैचों में 741 रन बनाए और तभी से आवाजें उठने लगी कि कोहली को ओपनिंग दो, क्योंकि फैंस और टीम इंडिया को उम्मीद थी कि विराट अपना फॉर्म T20 वर्ल्ड कप में भी जारी रखेंगे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कोहली ने अपने पहले 3 ग्रुप ए मैचों में भारत के लिए 1-4 और 0 रन बनाए। उनके फ्लॉप शो और खामोश बल्ले ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसका बचाव करते हुए जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा कि पूरे करियर में नंबर 3 पर खेलने वाले विराट न्यूयॉर्क की मुश्किल पिच पर ओपनिंग कर रहे थे, इसलिए वो ज्यादा रन बनाने वालों की में शामिल नहीं है, पर उनको कम आंकने की भूल कोई न करे। जैसे तैसे टूर्नामेंट सुपर 8 में आगे बढ़ेगा और विराट का बैट अपना असली रंग दिखाएगा। जाफर भैया ने तो ये बोल दिया कि विराट इस टूर्नामेंट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। इस बीच दिग्गज वेस्ट इंडियन बल्लेबाज ब्रायन लारा ने भी विराट को सपोर्ट किया और कहा है कि विराट को ही रोहित के साथ ओपनिंग करनी चाहिए और भारत को बैटिंग ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट को नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए, हालांकि ब्रायन लारा का मानना है कि इस ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करने से टीम का बैलेंस बिगड़ेगा और उन्होंने इस टॉप ऑर्डर को आगे भी बनाए रखने का सजेशन दिया है। मगर लारा का मानना है कि भारत के पास जो कॉम्बिनेशन है उसे जारी रखते हुए इन दोनों बल्लेबाजों का समर्थन करना चाहिए। यूएसए में बल्लेबाजी के लिए कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, पर ये सारा मामला वेस्टइंडीज की पिचों पर बदल जाएगा। पर वेस्टइंडीज से पहले टीम इंडिया को अपने ग्रुप का आखिरी मैच आज खेलना है और निसंदेह हम आज का मैच जीतेंगे। ऐसे में क्या भारत इस मैच में कोई बदलाव करेगा? क्या रोहित शर्मा इस मैच के लिए विराट कोहली को रेस्ट देंगे या फिर उनको ओपनिंग स्लॉट मजबूत करने का एक और मौका देंगे? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज शाम को, जैसे ही सिक्का उछलेगा। वैसे देखा जाए तो सुपर 8 से पहले भारत के पास ये आखिरी मौका है अपनी तैयारियों को और सॉलिड करने का। तो आज के मैच में खुद रोहित शर्मा रेस्ट लें और यशस्वी को अपनी जगह मौका दें तो किसी को हैरानी नहीं होगी। वहीं प्लेइंग 11 में क्या संजू को भी फिट किया जाएगा और क्या कुलदीप यादव और चहल को भी टीम में अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा? ये सारे बदलाव भारतीय टीम आज कर सकती है क्योंकि आज हमारे सामने कनाडा की टीम है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताना। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओपिनियन देकर पैसे कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, ₹500 का वेलकम बोनस मिलेगा और फिर हाँ या ना में कई सारे सवालों पर अपनी ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हो। बस ऐप डाउनलोड करो, नाम है प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं क्रिको पर एक और मस्त वीडियो के साथ। सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद।